हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा DIY फेस पैक शेयर कर रही हूँ जो आपकी स्किन को लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, सॉफ्ट, स्मूथ, हाइड्रेट बनाएगा, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा। आपकी स्किन में रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, सन टैन है, सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट जैसा बना देगा। ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है। सेंसिटिव स्किन वाले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें। और ये फेस पैक छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी उम्र 2.5-3 साल के ऊपर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए जानते हैं आपको ये फेस पैक किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैं आप एक क्लीन बाउल ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आप एक घर की बनी थिक दही ले रही हूँ। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो यहाँ पे लो फैट वाला दही यूज़ करें। उसके बाद फिर मैं इसमें चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से लाइट ब्राइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें हनी यूज़ की है। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंटी एजिंग में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जितना हनी यूज़ की है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं इसमें लेमन यूज़ कर रही हूँ। आपकी स्किन पे अगर लेमन सूट होता है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 4-5 ड्रॉप जितना लेमन लिया है। बाद फिर मैं इसमें विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह विटामिन ई का ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, डार्क सर्कल है, उसे धीरे धीरे फेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब इस फेस पैक को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं आप एक घर का बना कैरेट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 6-7 ड्रॉप जितना कैरेट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारे स्किन टोन को 1-2 शेड लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने दही यूज़ किया। दही में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे रिंकल्स, फाइन लाइन्स को धीरे धीरे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सन बर्न की प्रॉब्लम है, सन टैन की प्रॉब्लम है, ब्लेमिश जैसे पिगमेंटेशन है उसे भी धीरे धीरे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी स्किन लूज हो जाती है उसे भी ये टाइट करता है। स्किन में एक कसावट लाता है, स्किन को बेदाग बनाता है। उम्र के पहले ही हमारी स्किन में फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसे धीरे धीरे फेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और साइन ऑफ एजिंग के प्रोसेस को ये डिले करता है। इसके बाद में मैंने इसमें विटामिन ई ऑयल यूज़ किया है। विटामिन ई में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है। हमारे फेस पे एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। के बाद फिर मैंने इसमें चावल का आटा यूज़ किया। चावल के आटे में भरपूर मात्रा में मिनरल्स है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन के रंगत को निखारता है, हमारी स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लास स्किन जैसा लुक देता है। हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती है, यंग लगती है। उसके बाद फिर हमने इसमें हनी यूज़ किया। हनी मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, हमारी स्किन में भी एंटी एजिंग का काफ़ी अच्छा वर्क करता है। उसके बाद फिर हमने इसमें लेमन यूज़ किया। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो हमारी स्किन में डार्क स्पॉट है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये फेस पैक हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमारी स्किन को ये डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी स्किन में जितनी भी टैनिंग हो गई है पुरानी से पुरानी टैनिंग ये रिमूव करता है। इसमें हमने चावल का आटा यूज़ किया, वो स्क्रब का काफ़ी अच्छा काम करता है। हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सपोलिएट करता है, डेड स्किन सेल की लेयर को निकालता है, ब्लैकहेड से, व्हाइटहेड से, उसे भी ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, उसे भी धीरे धीरे ये फेड करता है। आपकी स्किन में रेडनेस है उसे भी ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। धूप में हम जाते हैं तो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो ये फेस पैक यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेट बनाता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। इसमें सारे मैंने नेचुरल चीज़ें यूज़ की है जो आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सॉफ्ट, हेल्दी, एक नेचुरल सा ग्लो आएगा। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इसे न्यू ईयर के दिन अप्लाई किया था, मेरे फेस पे इसने काफ़ी अच्छा ग्लो लाया है। उसके बाद ही मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँ। आप इस फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये फेस पैक ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी उम्र 3 साल है, 3 साल से लेके आपकी उम्र 40 है, 50 है, 60, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो किस तरह से यूज़ करना वो मैं आपको बता देती हूँ। आप ये फेस पैक अपने क्लीन फेस पे अप्लाई कर लो। 20 से 25 मिनट बाद फिर आप ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी से आप अपना फेस वॉश कर लो।
आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करो, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप इसे यूज़ करो और कमेंट बॉक्स में मुझे रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आज की वीडियो में यही एंड करी। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी क्लिक कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ये बिल्कुल फ्री है। तो गाइज आज का वीडियो में यही एंड करी, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।